मुझे बहुत पेशेंट्स ने मैसेज किया कि एक वीडियो बनाइए प्रोटीन लॉस के बारे में या प्रोटीन यूरिया के बारे में जिन लोगों के पेशाब में प्रोटीन लीक हो रहा हो, तो उसका क्या समाधान है और कारण क्या है उसका, ये आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और उसका समाधान भी बताऊंगा मैं। Subscribe to Reversal Clinic and press the bell icon so you never miss any updates. नमस्कार, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ मिश्रा, संस्थापक रिवर्सल क्लिनिक। तकरीबन 25 सालों से ज़्यादा मैं किडनी रोगियों का सफल इलाज कर रहा हूँ और मैं सारी चिकित्सा पद्धतियाँ इस्तेमाल करता हूँ किडनी को रिकवर करने के लिए, उसके फंक्शन को रिकवर करने के लिए, वो चाहे आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो, डाइट हो, थेरेपीज़ हों, जो भी लगता है किडनी को, उसके फंक्शन को रिकवर करने के लिए फेलियर से, मैं वो सब चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं मेरे को। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन यूरिया क्या होता है, प्रोटीन लॉस यानी कि पेशाब में प्रोटीन आना और क्यों आता है ये। देखिए, ये ज़रूरी नहीं कि आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है और आपके पेशाब में प्रोटीन आ रहा है तो बहुत किडनी फेल हो गई है, या आपको कोई और गंभीर बीमारी है। कुछ ऐसे प्रोटीन यूरिया के केसेस होते हैं जिनको हम लोग ट्रांजिएंट प्रोटीन यूरिया बोलते हैं। ट्रांजिएंट प्रोटीन यूरिया क्या होता है? सपोज आपने ज़्यादा वर्जिश कर ली, एक्सरसाइज कर ली, पानी नहीं पिया काफ़ी समय तक, डिहाइड्रेशन हो गया आपको, फीवर आ गया, बुखार हो गया आपको, ठंड लग गई। एक बहुत ही सिंपल चीज़ है, कई लोग डायबिटिक होते हैं जिनको एलोपैथिक डॉक्टर्स एस्पिरिन दे देते हैं, इकोस्पिरिन दे देते हैं, खाते रहिए, हार्ट फेलियर नहीं होगा। उन लोगों में भी प्रोटीन लॉस होता है यूरिन के अंदर, जो कि कुछ समय में ठीक हो जाता है। दूसरा होता है ऑर्थोस्टेटिक प्रोटीन यूरिया, मतलब कुछ बच्चों में पाया जाता है कि जब वो खड़े होते हैं तब प्रोटीन लीकेज होता है, बैठ जाते हैं तो प्रोटीन लीकेज नहीं होता है, अपने आप ठीक हो जाता है। एक आता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा लोगों में पाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं परसिस्टेंट प्रोटीन यूरिया। अब परसिस्टेंट प्रोटीन यूरिया का मतलब क्या है? जो कि प्रोटीन लीकेज चलता रहे, वो अपने आप ठीक ना हो और वो आगे चल के और गंभीर रूप ले ले। ऐसे जो लोगों में परसिस्टेंट प्रोटीन यूरिया होता है, उसका मेन दो कारण है, वो है डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप। अब आप अगर देखें तो शायद ही कोई ऐसा घर हो जहाँ पे कोई डायबिटिक पेशेंट ना हो या जिसका बीपी ना बढ़ा हुआ हो। आप सोचिए, हर एक घर में आज की डेट में डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है, और तीन लोग जिन लोगों में डायबिटीज़ होती है उनमें से एक का किडनी फेलियर निश्चित है। तो ये बहुत गंभीर समस्या है और इसका ध्यान देना और इसको रोकना इस समय पर बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारे देश में डायलिसिस के सेंटर भरते चले जाएंगे, किडनी फेलियर होता चला जाएगा और इसका कोई रोक नहीं है। फिर लक्षण क्या है प्रोटीन यूरिया के? सिंपल लक्षण है जो हर एक इंसान को आज की डेट में फेस करना होता है, फटीग, कमजोरी, थकान, बहुत सिंपल सा लक्षण, ठीक है। ज़्यादा पेशाब होना, पेशाब में झाग आना, क्रैम्प्स आना पैरों के अंदर, ठीक है, भूख ना लगना, ये बहुत एक सिंपल सिम्टम्स हैं जो कि प्रोटीन यूरिया के पेशेंट्स के अंदर पाए जाते हैं। और होता क्यों है प्रोटीन यूरिया? भाई बहुत सिंपल बात है, प्रोटीन लीक कर रहा है आपके पेशाब में। कहाँ से लीक कर रहा है? आपके जो किडनी के सेल हैं, जो फिल्टर हैं, वो डैमेज हो गए हैं, जिनको नेफ्रॉन्स बोलते हैं हम। जब नेफ्रॉन डैमेज होता है तब आपके पेशाब में या यूरिन में प्रोटीन लीक करता है। और सबसे पहला जो लक्षण होता है या सिम्टम होता है, वो होता है माइक्रो एल्ब्यूमिन का लीक होना। आपको मैं एक सिंपल बात बताता हूँ आज, अगर आप डायबिटिक हो तो सबसे पहले आप एक टेस्ट कराओ जिसको हम लोग बोलते हैं पेशाब में यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो। एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो करा लीजिए अगर आप डायबिटिक हैं। आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपकी किडनी डैमेज हो रही है, हो चुकी है या होने वाली है।
अब ये जो रेशियो है यूरिन क्रिएटिनिन एल्ब्यूमिन रेशियो, ये अगर 30 से ज्यादा है तो इसका मतलब आपके नेफ्रॉन्स डैमेज हो चुके हैं, उसमें से माइक्रो एल्ब्यूमिन मतलब छोटी मात्रा में प्रोटीन लीक हो रहा है और आगे चल के ये नेफ्रॉन को और डैमेज करेगा और किडनी फेलियर की तरफ ले जाएगा आपको। अब इसका समाधान क्या है? कई लोगों के अंदर हाइपरटेंशन होता है, उच्च रक्तचाप होता है, डायबिटीज नहीं होती है, कुछ लोगों में डायबिटीज भी होती है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ होता है। जिन लोगों के अंदर डायबिटीज और ब्लड प्रेशर दोनों हैं वो सबसे ज्यादा उनमें किडनी डैमेज के चांसेस हैं, ये आप मान के चलिए। एलोपैथी के अंदर भी पहला जो चीज़ की जाती है वो किसी तरीके से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, जैसे कि अगर ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहेगा तो नेफ्रॉन डैमेज नहीं होंगे, डायबिटीज नियंत्रण में रहेगी तो नेफ्रॉन डैमेज नहीं होंगे। सॉल्यूशन सिंपल है, अगर आप चाहते हैं कि किडनी फेल ना हो, प्रोटीन लॉस आपका ठीक हो जाए, तो सबसे पहला काम ये करें कि अपने नेफ्रॉन्स को जो किडनी के सेल्स हैं उन पे लोड डालना कम करें। खाने का लोड, प्रोटीन का लोड, वो ऑलरेडी डैमेज हो गए हैं, उन पे अगर आप प्रोटीन डालेंगे तो वो फर्दर डैमेज होंगे। अगर आपको कोई भी दवाई नहीं मिले, कहीं पर भी कुछ भी समाधान ना मिले, तो सिंपल मेरा एक नुस्खा अपना लीजिए, प्रोटीन जो एपरेंट प्रोटीन होता है उसको बंद कीजिए लेना कुछ दिनों तक। प्रोटीन के सोर्सेज क्या हैं? दूध, दही, पनीर, दालें, अंडा, मांस, मच्छी, बंद कर दो 6 महीने तक। बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं मैं आपको, आपका प्रोटीन लॉस अपने आप ही रिड्यूस होके बंद हो जाएगा। आप कोई अगर नेफ्रॉन्स डैमेज हैं तो कुछ समय तक उन पे लोड डालना बंद कीजिए प्रोटीन का, फल सब्जी मिलेट्स खाइए बस, और कुछ मत कीजिए। सिंपल 6 महीने के लिए दालें, दूध, दही, पनीर, अंडा, मांस, मच्छी बंद कर दीजिए, आपका प्रोटीन लॉस अपने आप रिकवर कर जाएगा। दूसरी चीज, इसके लिए एक स्पेसिफिक दवाई आती है। आपने देखा होगा बहुत सारे नेफ्रोलॉजिस्ट अपने प्रिस्क्रिप्शन में नेफ्रोसेफ, रीनोसेफ टाइप का एक दवाई दे देते हैं, जिसको वो लोग डायबिटीज जिन लोगों को होती है उसकी वजह से जो किडनी पे नुकसान पड़ता है उसकी बचाव के लिए देते हैं कि भाई प्रोटीन लॉस भी कंट्रोल में आए और डायबिटीज की वजह से किडनी नुकसान ना करे। पर ये जो दवाइयाँ हैं ये आधी अधूरी हैं। मतलब क्या कि इनके अंदर एक पदार्थ होता है एन एसिटाइल सिस्टीन और टॉरीन, अमीनो एसिड्स होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, वो उनका कॉम्बिनेशन है, क्लिनिकली प्रूवन है कि भाई अगर आप एन एसिटाइल सिस्टीन और टॉरीन लेंगे तो काफ़ी हद तक माइक्रो एल्ब्यूमिन और जो डायबिटीज से किडनी का डैमेज हो रहा है वो कंट्रोल में आ जाएगा। पर दिक्कत ये है कि इन दवाइयों में सिर्फ यही दो चीज़ें होती हैं जो कि पर्याप्त नहीं है नेफ्रॉन के रिपेयर के लिए। अगर आप डायबिटिक हो और आप चाहते हो कि आपकी किडनी फेल ना हो तो मैं आपको एक सॉल्यूशन देता हूँ आज, और वो है ये दवाई नेफ्रोशील्ड। ठीक है, ये नेफ्रोशील्ड इतनी बढ़िया दवाई है डायबिटिक नेफ्रोपैथी के लिए, मतलब जो डायबिटीज से सीकेडी हो जाती है जिन लोगों को या हो सकती है जिन लोगों को, वो बचाव करती है ये दवाई नेफ्रोशील्ड, किडनी का बचाव करती है, किडनी को प्रोटेक्ट करती है। इसमें एन एसिटाइल सिस्टीन टॉरीन के अलावा इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि किडनी को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे ALA, CoQ10, रेसवर्सिटॉल, लाइकोपीन, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन बी, दुनिया भर की चीज़ें हैं इसके अंदर जो कि आपकी किडनी को सुरक्षा चक्र प्रदान करती हैं अगर आपको डायबिटीज़ है तो। अगर आपको डायबिटीज़ है सिंपली नेफ्रोशील्ड की एक गोली सुबह शाम लें 6 महीने तक, दूध, दही, पनीर, दालें, अंडा, मांस, मच्छी बंद कर दें, मैं आपको एश्योर करता हूं कि आपका प्रोटीन यूरिया ठीक हो जाएगा, आपके नेफ्रॉन्स रिपेयर हो जाएंगे और आपकी किडनी भी बच जाएगी। दूसरी दवाई हाइपरटेंशन के लिए, उच्च रक्तचाप के लिए, अगर आप दुनिया भर की दवाइयां ले रहे हो और फिर भी आपका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो एक बहुत अच्छा हर्बल फॉर्मुलेशन है, आयुर्वेदिक है, और वो है बीपी कंट्रोल सिरप। ठीक है, ये बस बीपी कंट्रोल सिरप डाल लो आप,
अपने प्रिस्क्रिप्शन में, ठीक है, जो एलोपैथी ले रहे हो आप लेते रहो, पर बीपी का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है प्रोटीन यूरिया के लिए। इसमें इतनी अच्छी जड़ी बूटियां हैं जैसे जटामासी, शंख पुष्पी, सर्पगंधा, अर्जुना, दालचीनी, बहुत बढ़िया बढ़िया कॉम्बिनेशन है अश्वगंधा। ये क्या करती है कि आपके बीपी को कंट्रोल भी करती है और रेगुलेट भी करती है। अगर आपकी एलोपैथी से आपकी बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो बीपी कंट्रोल सिर्फ शुरू कर दो, 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम, आप देखो कितनी जल्दी आपका बीपी कंट्रोल में आ जाएगा। बीपी कंट्रोल में आ गया, शुगर की वजह से डैमेज रुक गया, ठीक है, आपका प्रोटीन यूरिया का सॉल्यूशन। डायबिटीज़ को ठीक करना है, जड़ से हटाना है अपनी डायबिटीज़ को, आपको बहुत सिंपल एक बार बता रहा हूँ, सिर्फ डाइट से हो जाएगी आपकी डायबिटीज़। आपको कोई भी एलोपैथिक दवाई नहीं लेनी पड़ेगी डायबिटीज़ के लिए। अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं तो इंसुलिन भी छूट जाएगी, बहुत ही सिंपल तरीका है, सिर्फ डाइट। डायबिटीज़ की कोई दवाई नहीं है, डायबिटीज़ की सिर्फ एक दवाई है, वो है डाइट। प्लीज़ एनिमल प्रोटीन यानी कि दूध दही अंडा मांस मच्छी छोड़ दो 6 महीने के लिए, इतना ही कर लो बस आपकी डायबिटीज़ रिवर्स हो जाएगी, आपको दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सॉल्यूशन कहाँ पर है प्रोटीन यूरिया का? प्रोटीन यूरिया का सॉल्यूशन है प्रोटीन यूरिया की जड़ पे, यानी कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन। अगर आप डाइट के साथ नेफ्रोशील लेते हो और अगर आपका बीपी हाई है और बीपी कंट्रोल सिरप लेते हो उसके साथ, तो मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आपका प्रोटीन यूरिया बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो ही ठीक नहीं होगा, आपकी किडनी बच जाएगी। अब कुछ ऐसे लोग हैं जिनका प्रोटीन यूरिया है ही पर ऑलरेडी उनकी किडनी डैमेज हो गई, यानी क्रिएटिनिन लेवल काफ़ी बढ़ गया है, यूरिया काफ़ी बढ़ गया है, तो वो क्या करें? उनके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है जहाँ पर किडनी को भी सेव करना है हमको यूरिया क्रिएटिनिन भी कम करना है, उसमें कई सारी दवाइयाँ लगती हैं और डाइट लगती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको प्रोटीन यूरिया है, सस्पेक्ट करते हैं झाग आ रहा है यूरिन में, तो अपना यूरिन का टेस्ट करा लें, देख लें एल्ब्यूमिन है क्या ट्रेसेस में या फिर प्रोटीन प्लस 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 दिखा रहा है, जो भी है वो रिपोर्ट्स, KFT की रिपोर्ट मेरे को व्हाट्सएप कर दें। अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन है, दवाइयाँ चल रही हैं, उसको व्हाट्सएप कर दें, ठीक है, कोई लक्षण है उसको व्हाट्सएप कर दें, मैं आपके केस को देख के बता दूंगा कि इसमें कौन सी दवाइयाँ लगेंगी, कौन सी नहीं लगेंगी, कौन सी डाइट लगेगी, डाइट प्लान भी भेज दूंगा आपको मैं। तो कभी भी अपने को अकेला ना समझें, आपकी किडनी मैं फेल नहीं होने दूंगा अगर आप वो सब करेंगे जो मैं आपको बताऊंगा करने के लिए, ठीक है। तो मैं आपकी मदद के लिए हूँ यहाँ पर, आप अपना जो भी केस का डिटेल्स है मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं उसको देख के बता दूंगा। और बिल्कुल चिंता ना करें, प्रोटीन यूरिया हो भी गया है तो उससे घबराने की बात नहीं है, नेफ्रॉन्स रिपेयर भी होते हैं, ठीक भी होते हैं, प्रोटीन यूरिया बंद भी होता है और किडनी रिकवर भी होती है, ठीक है। नमस्कार।